नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। आज हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी। उदयभान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका, क्योंकि लगातार आपको बधाइयां मिल रही हैं, मैं भी आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी। आपको हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। जितना बड़ा सर ये पद है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है, संगठन को मजबूत करने की, सबको एक साथ लेकर चलने की। जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत बड़ी है। कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, कैसे सबको साथ लेकर चलेंगे? बहुत शुक्रिया मोनिका जी। जैसा आपने कहा है, चुनौती बहुत मजबूत है, चुनौती बहुत सख्त भी है हमारे सामने, और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है जी। और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं सारे पार्टी को सबको साथ लेकर के हम चले। और उसके लिए सबसे पहले जो हमारे संगठन में कुछ थोड़ी कमी रही है, पीछे संगठन नहीं बन पाया, सबसे पहले हमारा फोकस संगठन को मजबूत बनाने का है। उसके लिए अभी हमने कल मीटिंग बुला रखी है DROC, डिस्ट्रिक्ट जो रिटर्निंग अफसर है, जो जिला अध्यक्षों के चुनाव कराएंगे, और वो सभी DRO छत्तीसगढ़ और राजस्थान से हैं और वो चुनाव कराएंगे विधिवत तौर से। उसी तरह से BROs के अभी बहुत जल्दी मीटिंग होगी इसके बाद, और बूथ स्तर से लेकर के और हरियाणा प्रदेश तक, मतलब सभी जिला जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के सभी जो चुनाव है, हम 3 महीने के अंदर अंदर हम पूरे कंप्लीट कराएंगे। और सभी जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, चाहे वो SCBC का प्रकोष्ठ है, चाहे वो माइनॉरिटी का है, चाहे वो लीगल सेल का है, चाहे कोई एक्सटर्मिशनल का है, जो जो भी हमारे प्रकोष्ठ हैं, उनमें जो जो रिक्तियां हैं, वहां उन सबको पूरी तरह से भर करके एक मजबूत संगठन के तौर पर निकलेंगे और इस सरकार की नाकामियों को बेनकाब करेंगे, जनता में जाएंगे और जनता में जाकर के पूरा सड़क से लेकर के विधानसभा संसद तक जनता की आवाज को उठाएंगे। और जो इस समय जो परिस्थितियां चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेगा। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि प्रदेश सरकार को बेनकाब करेंगे, हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार तंज कसा जा रहा है। लगातार जो गृह मंत्री हरियाणा के विश, वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सबसे पहले हरियाणा कांग्रेस खुद को संभाले, उसके बाद जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश की सत्ता है, उसको देखने के जो सपने हैं वो देखे। इस पर क्या कहेंगे सर, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पर बातें जो है वो कही जा रही हैं, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि गुटबाजी जो है वो कांग्रेस में बहुत ज्यादा है। इन बातों का कैसे खंडन करते हैं आप? अनिल विज को पहले अपने आप को खुद को संभालना चाहिए जी। उनकी क्या स्थिति थी? वो सबसे सीनियर विधायक थे, 5 बार के विधायक थे, मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने कभी कोई चुनाव ही नहीं लड़ा जिंदगी में, पहली बार विधायक के चुनाव लड़े और इनको अनिल विज अपना देखते रह गए, टापते रिमोट आते रह गए और मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बन गए। इन पर क्या बीती, किस तरह से, वो आप सबको पता है किस तरह से ये अनिल विज खुद कर, और ये हमारे हमें क्या नसीहत देते, गुटबाजी अपनी तरफ तो देख ले, खुद दूसरों की बैसाखी पर है। और उन लोगों की जो कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर के गए थे, जिन्होंने जनता के साथ भी, अपने मतदाताओं के साथ भी विश्वासघात करने का काम किया, तो जेजेपी का जो पूरी तरह से क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। आज पूरे प्रदेश में जो भ्रष्टाचार मिलकर के दोनों जेजेपी और बीजेपी पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है, उसका ध्यान नहीं है कि बिजली की क्या हालत है, कहां महंगाई जा रही है, कहां बेरोजगारी का जा रहा है, तो इन सब चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं है इनका। ये हमारी गुटबाजी की बात कर रहे हैं, अपनी गुटबाजी की बात करें कि ये कहाँ है इनके, अपने गुटबाजी को हमारी हमारी पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारी पार्टी बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है और एकदम मजबूत है, बिल्कुल एकता के सूत्र में बंधी हुई है। जी सर, कुछ दिनों पहले हमारे साथ कृषि मंत्री JP दलाल भी जुड़े थे, तो उन्होंने ये कहा था कि उदयभान जी को प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, लेकिन एक पक्ष का जो मजबूत होना हरियाणा कांग्रेस में ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो खुद को और संगठन को मजबूत नहीं बना पा रही है, उनकी इस बात पर आप क्या कहेंगे? उनका ये कहना है, उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई थी कि आपने क्योंकि कहा था जब आप में
हम कांग्रेस को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, सबको साथ में लेकर चलेंगे, उनको इस बात पर भी आपत्ति है, बीजेपी के नेताओं को। जेपी दलाल को क्या आपत्ति है, उससे हमें क्या लेना देना, वो अपनी पार्टी की तरफ देखे ना कि जी उनका प्रदेश अध्यक्ष कौन थे, मुख्यमंत्री कौन बने। रामविलास जी शर्मा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था जी भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने पार्टी की बात करें ना, हमारे से उनको क्या है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हैं, दो बार वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 9 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे शीर्ष नेता हैं, इसमें क्या किसी को शक है। और हम सब मिलकर के जो जिम्मेदारी उनको, जहां प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो जिम्मेदारी दी है मुझे, संगठन का अध्यक्ष के रूप में मुझे संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है, और हम दो पहियों की तरह मिलकर के चलेंगे जी मिलकर के। और पूरा जो सरकार में इनकी जो नाकामयाबी है उनको सबको उजागर करेंगे, इनको बेनकाब करेंगे, और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। सर, ये तो रही बीजेपी और के नेताओं लोकसभा की की बात। जी 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 सर, बात पूरी जी कीजिए, बोलिए हाँ, मैंने कहा लोकसभा की 10 के 10 सीटें जीतेंगे, क्योंकि सर। चलिए सर पूरी तरह से अगर एक तरफ आप देखें जी कि महंगाई का क्या है, ये लोग ये कहते थे जब ये बात करते थे कि हम 35 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल चाहिए तो बीजेपी को वोट दो, आज किस मुंह से क्या वोट मांगेंगे। आज डीजल का, पेट्रोल का, सीएनजी का, पीएनजी का, रसोई गैस का भाव कहाँ है। आज जो खाद्य पदार्थों का, चाहे चीनी है, तेल है, चाहे कोई मिर्च मसाले हैं, चाहे कोई कोई छोटा मोटा मकान बनाए, कोई ईंट रोडी क्रेशर सीमेंट वगैरह है, कोई अपना सरिया है लोहे का, कोई वुड वर्क है, कोई ग्लास वर्क है, कहाँ जा रहा है। सब जगह कहाँ टोल टैक्स बढ़ा दिए, सारे हर चीज पे इन्होंने बढ़ा दिया, भ्रष्टाचार का नंगा नाक चल रहा है। 200 करोड़ का घोटाला भी फरीदाबाद में हुआ है, अभी खुद इनके स्पीकर ने ज्ञानचंद गुप्ता ने माना कि 100 करोड़ का जो है घोटाला इसमें नगर निकाय में हुआ है, पंचकुला में और गुड़गांव में और फरीदाबाद में, जो एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने भी इस बात को माना है। इनके एचपीएससी के ऑफिस में, दफ्तर में करोड़ों करोड़ों रुपए जो है दफ्तर में मिले हैं, रेड हैंडेड ये पकड़े गए हैं। इनके जो अधिकारी हैं वो सस्पेंड हुए हैं, कितने ही इनका जो चेयरमैन है उसको भी पद छोड़ना पड़ा, नौकरियां बांटी जा रही हैं, और नौकरियां में 22 22 23 23 जो पर्चे अब तक लीक हो चुके हैं, कई जो किस तरह से युवाओं के साथ ये धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। आज पूरी तरह से युवा एकजुट है, आपने देखा होगा किस तरह से जो 4 तारीख को दिल्ली से चंडीगढ़ का जो 4 घंटे का रास्ता था, यहाँ आने में 11 घंटे लग गए हमें। आज पूरा सड़क पर इतना जनसैलाब उमड़ा पड़ा था, 40 से ज्यादा जगहों पर लोग स्वागत करने के लिए सारा यूथ जो है सड़कों पर था। उससे ये प्रतीत होता है कि सरकार कितनी नाकाम हो चुकी है और इस सरकार के खिलाफ कितना गुस्सा है। अभी हमने सर, रैली की बीजेपी के थी नेता तो छब्बीस उस तारीख जुलूस को पर भी सवाल फरीदाबाद में, खड़े कर रहे थे, उस जुलूस पर सवाल खड़े करते हुए बोले कि कुमारी शैलजा जो है उस जुलूस में नजर नहीं आई है, कुलदीप बिश्नोई उस जुलूस में नजर नहीं आए, इस तरह की बातें की जा रही हैं। ऐसा है जो जुलूस में सभी नेताओं का होना जरूरी है। जहां तक सवाल है शैलजा जी का, उनको 4 बजे का हमने समय दिया था पीसीसी ऑफिस में पहुंचने का, वो यहाँ पर 1 घंटे इंतजार करती रही, हम यहाँ पर 8 बजे मजबूर हो गए, हम 8 बजे यहाँ पर पहुंचे, उनको फ्लाइट पकड़ दी थी, वो वापिस चली गई। जी जो किरण चौधरी जी थी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी, उनको दोनों कोविड पॉजिटिव है, आप पता कर लीजिए। रणदीप सुरजेवाला जी है वो जबलपुर में उनकी ड्यूटी थी, जी और कैप्टन अजय थे वो तिरुपति बालाजी गए हुए थे, तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो यहाँ यहाँ कैसे कैसे यहाँ पर आते जो यहाँ पर थे। और जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी की बार बार मीडिया प्रश्न कर रहे हैं, कुलदीप जी बिश्नोई हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि मैं राहुल जी से बात सर, करना उसी चाहता उसी हूँ। पर मैं आ रही उन्होंने थी, हमारे अगला सवाल मेरा उसी पर था सर। उन्होंने हाँ, क्योंकि कुलदीप तो बिश्नोई जी ने मैं जो उसे ट्वीट किया और साथ ही साथ रणदीप जी सुरजेवाला जो है उन्होंने भी कहा कुलदीप बिश्नोई जी को लेकर, तो इसी पर मेरा आपका सवाल था। चलिए, जो दूसरी पार्टी के नेता उनको छोड़ मैं देते हैं, बताता हूं, बीजेपी क्या अभी कह रही है उसी उसको भी को मैं छोड़ पूरा देते हैं, कर लेकिन खुद देता हूं। आपकी पार्टी के नेता जब इस तरह की बातें करते हैं तो सर तब तो जवाबदेही बनती है। नहीं, ऐसा है कि कुलदीप जी ने कोई हमारे खिलाफ कोई ट्वीट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं राहुल जी से बात करूंगा, बात करना चाहता हूँ, राहुल जी हमारे शीर्ष नेता है, तो
और कुलदीप बिश्नोई जी हमारे पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेता है। जी अगर वो राहुल जी से कोई बात करना चाहते हैं तो और किसी को आपत्ति क्या है? उन्होंने हमारे खिलाफ कोई ट्वीट नहीं किया, मेरे खिलाफ कोई नहीं हुआ, हमारे वरिष्ठ हमारे साथी हैं, मैं उनके साथ विधायक रहा हूँ, उनके मदर के साथ रहा हूँ, उनके फादर के साथ रहा हूँ, मेरे पिताजी उनके फादर के साथ रहे हैं, विधायक हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, हमारे बहुत अच्छे संबंध है, हमारी कोई लड़ाई किसी तरह की किसी से भी नहीं है। तो कुलदीप जी हमारे खिलाफ नहीं है, कुलदीप जी को आप हमारे साथ ही देखोगे, उसमें किसी तरह की कोई आप इफर्ट जो ना उसको छोड़ देना चाहिए। और रणदीप जी ने पूछा कि कुलदीप कैसे रहते, कुलदीप भी अच्छे रहते, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो उदयभान तो मेरे ऊपर तो कोई टिप्पणी की, उन्होंने कुलदीप जी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा हाँ कुलदीप जी तो उसमें क्या करते, कोई हमारे जो वरिष्ठ साथी है कोई नेता कोई बात कहता है तो उसमें उसको एक मुद्दा इस तरह से कोई उन्होंने कोई हमारे खिलाफ ना तो रणदीप ने कहा ना कुलदीप जी ने कहा, हमारी पार्टी की तरफ अब लड़ाई की तरफ जो मीडिया जो तरह सर बड़ी खूबसूरती से आप तमाम चीजों से तमाम सवालों से जो है बड़ी खूबसूरती से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बयानों को आपने बड़े ही अच्छे से बताया कि किसी के बयान में कोई विवाद नहीं, किसी ने मेरे मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए, हालांकि ट्वीट आपने भी देखे, चलिए ठीक है सर, ठीक है ये तो ठीक, आप बताइए कि क्या सवाल उठाया नहीं सर, क्योंकि रणदीप उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया नहीं सर, देखिए सवाल 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 जो है बात मैंने करना चाह रहे तो उसमें क्या क्या बात है नहीं सर, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने जो ट्वीट किया उसमें कहीं ना कहीं अगर वो कुलदीप बिश्नोई जी का नाम लेते हैं तो आप पर क्या आपत्ति है उन्हें, आपके प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर नाम लिया, कुलदीप जी भी अच्छे नेता है, इसमें क्या उनका वो भी अच्छे साबित होते, चलिए आप ये उनकी निजी राय मानते हैं कि अगर ऐसा है तो आपको कोई आपत्ति नहीं इससे, नहीं नहीं मुझे इससे कोई आपत्ति, ठीक है। और आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस में बिल्कुल भी दो फाड़ नहीं है, पूरा संगठन जो है वो मजबूत है और एक एक है, बिल्कुल एक है, और बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से हमारे डीआरओ जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है तो छत्तीसगढ़ से राजस्थान से है जो चुनाव कराएंगे, कल उनकी मीटिंग है और 3 महीने के अंदर अंदर हमारा पूरा संगठन खड़ा होगा, सब मिलकर के सब एक है, कांग्रेस सब एक है, ठीक है। सर जो आगामी चुनाव है, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, उनको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? ये तैयारी तो ये डरे हुए हैं, भयभीत हैं, इसलिए इन्होंने 1.5 साल से गांव और पंचायतों को चुनाव में सारे विकास के काम सारे ठप पड़े हुए हैं, नगर पालिकाओं के नगर परिषदों के वो 1 साल से चुनाव ड्यू है, इन्होंने पूरी तरह से सारे कामकाज को बिल्कुल ठप कर रखा है और ये डरे हुए हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कभी भी पंचायत और या जिला परिषद या ब्लॉक समिति के चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़े हैं, नगर निगम का चुनाव हम पार्टी के सिंबल पर लड़े हैं और जो नगर परिषद और नगर पालिका है उनके बारे में मंथन करेंगे, अभी मैंने चार्ज संभाला है जो हमारे जो सीनियर जो नेता है उन सबके साथ में जो जिसको हम आवश्यक समझेंगे उनको सबको राय करके उस पर मंथन करेंगे और उस पर विचार करेंगे कि हमें सिंबल पर कराना है या नहीं कराना। अभी तक हमने नगर पालिका नगर परिषद और पंचायतों के चुनाव सिंबल पर नहीं किए, नगर निगम का चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे और इन पर हम विचार, ठीक है। सर अभी एक मुद्दा जो है वो काफी ज्वलंत मुद्दा नजर आ रहा है, 3 राज्यों की जो पुलिस है वो आमने सामने नजर आ रही है, पंजाब पुलिस दिल्ली जाती है, बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार करती है, फिर रास्ते में हरियाणा पुलिस उनको रोकती है और पंजाब पुलिस से पूछताछ करती है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है वो आमने सामने है, बीजेपी का कहना है इस तरीके से किसी राज्य की पुलिस को किसी दूसरे स्टेट में जाकर गिरफ्तार करना किसी नेता को ये गैर कानूनी है, तो वहीं पंजाब पुलिस का कहना है कि लगातार नोटिस भी दिए गए थे, हमें अपना काम करने दीजिए, आपकी इस पर क्या राय है, कांग्रेस इस पर क्या कहेगी? ये दोनों पार्टियों की नूरा कुश्ती है, सब आपस से मिले हुए ड्रामा है, ये कोई कुछ भी नहीं करना इनको, और जहां तक है कानून के हिसाब से अगर पंजाब पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया अपनाई है तो ठीक है, अगर नई प्रक्रिया अपनाई है तो उनको अपनानी चाहिए और वो सब सामने आ जाके। जी और सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, लगातार आपको बधाइयां मिल रही हैं,
जनता की, हरियाणा के प्रदेश की जनता को आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का रुख क्यों करे जनता, और क्यों कांग्रेस पर विश्वास करे, क्यों कांग्रेस पर विश्वास जताए? क्या कुछ कार्य रहेंगे कांग्रेस द्वारा, क्या कुछ कदम रहेंगे कांग्रेस द्वारा जनता के लिए, जनता के भविष्य के लिए? इसलिए कांग्रेस पर विश्वास करें कि जब कांग्रेस की सरकार थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में, उस समय चार चार बिजली के पावर स्टेशन बनाए थे जी, और 1320 मेगावाट का झाड़ली बनाया था, 1500 मेगावाट का खानपुर में बनाया था, 1200 मेगावाट का खेदड़ में बनाया था, 600 मेगावाट का यमुनानगर में बनाया था, 2 यूनिट पानीपत की बनती और चालू की थी। हुड्डा जी के टाइम में 11000 मेगावाट की उपलब्धता थी बिजली की, और 2008 में अदानी के साथ में समझौता किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था 25 साल के लिए, 2.94 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 25 साल निरंतर सप्लाई करेगा अदानी ग्रुप। लेकिन क्या कारण है कि 6 महीने से सप्लाई रोक रखी है, और ये सरकार क्यों मूक दर्शक बनी हुई है? अदानी से क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या डील हुई है कि जो अदानी ग्रुप के साथ में कोई कार्रवाई इस सरकार ने अब तक नहीं की? और हरियाणा की बिजली उल्टा गुजरात में चुराव आने वाला है, इसलिए गुजरात को दी जा रही है 114 लाख प्रति यूनिट के हिसाब से जो है बिजली दी जा रही है गुजरात को। आज जो जो बिजली का संकट है वो इनके ऊपर है, 1424 मेगावाट प्रतिदिन देना था अदानी को, जो 6 महीने से रुका हुआ है। और जब ये कहते थे कि हुड्डा जी को ने सरप्लस बिजली दे दी, अब हमें जरूरत नहीं है, जो 750 मेगावाट खानपुर वाले में दिल्ली का था, 750 मेगावाट हरियाणा का था, मुख्यमंत्री जी ने कहा सारी दिल्ली को दे दो, हमें जरूरत नहीं है, ये सरप्लस बिजली है। आज कहते हैं कि बिजली की कमी है, आज कहते हैं इन्होंने लगाया क्या, क्या एक भी कोई यूनिट इन्होंने कोई लगाई कहीं भी, कोई एक भी मेगावाट पैदा की? आज कह रहे हैं कि हम 600 मेगावाट का यमुनानगर में बनाएंगे, कब बनाएंगे? अभी तक कोई रूपरेखा नहीं, कोई इनका पास वो नहीं। लेकिन इनका तो कह रहा है कि जो पिछली सरकार ने जो करार किया, जो कमजोर करार किया, वो वजह है जिसकी वजह से प्रदेश सरकार आज समस्या झेल रही है, आम जनता समस्या झेल रही है। वो वजह तो इनकी नाकामयाबी है, ये अपने जो कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे, ये इस वजह से जनता हाहाकार मचा हुआ है। 8-8, 10-10 घंटे के बिजली के कट लग रहे हैं गांवों में, शहरों में उद्योग धंधे हैं वो ठप हुए पड़े हैं, महंगाई आज कहां चरम सीमा पर है, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर एक पर है पूरे देश के अंदर, हमें बड़ा शर्म और महसूस होती है, भ्रष्टाचार किस तरह से चरम सीमा पर बना हुआ है। इन मुद्दों पर सरकार हमको, जनता है वो हमें चुनेगी। आप पूछ रहे हैं ना कि जनता कांग्रेस को क्यों चुनेगी, वो इसलिए चुनेगी कि कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य किए, जो डेवलपमेंट के काम किए, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, मेट्रो रेल लेकर के आए, रेल की लाइनें बिछाई गई, इन्होंने क्या किया है, जो 60,000 करोड़ का कर्जा था इन्होंने 3 लाख करोड़ का कर्जा कर लिया जी। ये तो जो है कर्जा ले रहे हैं, घी पी रहे हैं, 5 स्टार होटलों में अपनी मीटिंग करते हैं, इन्होंने पूरे जनता की तरफ कोई ध्यान ही नहीं जी। ठीक है सर, कल जो मीटिंग होने वाली है कांग्रेस की, काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है, आपने खुद ने बताया, किस तरीके से क्या कुछ खास इस मीटिंग में रहने वाला है और क्या रूपरेखा इस मीटिंग की रहेगी? नहीं, रूपरेखा जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर हैं वो आ रहे हैं, सारे 22 जिले उनको जिले जो आमंत्रित किए गए उसके हिसाब से वो जाएंगे, जो हमारे मेंबरशिप जो बने हैं अभी 10 लाख मेंबर हमारे पार्टी के बने हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उनको वो कॉपियां दी जाएंगी, मेंबरों के टेलीफोन नंबर नाम वगैरह सारे हैं, सबको विश्वास से लेकर के जहां हो सकेगा यूनानिमस चुनाव होगा, और जहां कोई चुनाव लड़ना चाहता है चुनाव से हो जाएगा, यहां बिल्कुल ये लोकतांत्रिक पार्टी है जी। सर इतनी लोकतांत्रिक है कि यहां पर खुलकर नेता जो है वो बोलते हैं अपनी पार्टी के खिलाफ? नहीं, वो सभी पार्टी में होते हैं नेता, किसी जवान ऐसा वो नहीं होता कि कुछ, आप जिनके नाम ले रहे हो अभी तो कुछ कहा ही नहीं है किसी ने, अब ये रोज नहीं बोलते एक दूसरे के कौन से खट्टर से कौन प्रेम करती है, सारे उनसे पूछ लो उनके दिल पर क्या बीत रही है, रामविलास शर्मा पर क्या बीत रही है, अनिल विज से दिल की बात अलग से पूछ लेना, वो बजाय उस पर आप माइक पर मत पूछना, वैसे अलग से बात कर लेना उनके दिल पर क्या पीड़ा है जी। सर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है,
प्राथमिकता आप किन कामों को फिलहाल अभी देने वाले हैं, क्या वो कार्य जो आप सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले संगठन का है और फिर लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभी हमने फरीदाबाद रैली किया, अभी इसी महीने 29 तारीख को फतेहाबाद में जो सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसका जो हमने कोऑर्डिनेटर अशोक अरोड़ा जो पूर्व स्पीकर पूर्व मंत्री भी हैं उनको बनाया है, और फतेहाबाद में वो रैली होगी सिरसा पार्लियामेंट्री सीट की विपक्ष आपके समक्ष तो मेरी अध्यक्षता में मीटिंग होगी, और उसमें जो मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसमें जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है वो उसमें होंगे। तो उसके बाद में सारे जिलों में हर ब्लॉक स्तर पर सब जगह रैलियां जलसा जरूर जनता के बीच में जनता की आवाज बन करके जाएंगे, और जो उनकी जन समस्याएं हैं उनको जो जहां जरूरत पड़ी हमें धरने की प्रदर्शन की जो विधानसभा में बात उठाने की संसद में बात उठाने की वो सारे सब तरह से लोकतंत्र में जो प्रक्रिया है उसको करें। सर बीजेपी के नेताओं की बड़ी चाह है, उनकी उनकी बड़ी मनोकामना है कि कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी एक मंच पर नजर आए, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी की तमन्ना तो अपने आप को पहलो कर रहे, हम तो एक मंच पर हैं ही जी, हम कोई एक मंच से बाहर नहीं है, ये खुद अपनी करे ना जी। पहले तो बैसाखी को छोड़े, अभी जो बैसाखी ले रखी है उनको ये जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी थी, इनको जमुना पार भेजने की बात कर रहे थे वो हो गए, उसमें मीडिया का मैं आपको बताना चाहूँ उसमें मीडिया का भी बड़ा रोल था, नहीं तो जो कांग्रेस की सरकार बन रही थी मीडिया ने 3 दिन पहले तक कह दिया कि 78 से 83 सीटें आ रही है बीजेपी की, 3 से 5 कांग्रेस की आ रही है, तो जो फ्लोटिंग वोट है थोड़ी 1-2 वैसे तो 5-7-10% होती है, अगर 1-1.5% का फर्क हो तो सरकार कांग्रेस की आती, 15 आदमी हमारे पर जो है 5,000 से कम वोटों से आ रहे थे जी। तो ये तो पहले ठगी की सरकार बनी है, जनता हमारे साथ है कांग्रेस के साथ, और पहले भी 15 से 31 पहुंचे थे जी, और अब आप देख रहे हैं कि 2/3 लोगों से सरकार आना। अच्छी बात है सर, संगठन और मजबूत हो, सब एक साथ नजर आए, ये हम भी चाहते हैं। सर प्रदेश की जनता को क्या कहेंगे आप? प्रदेश की सरकार तो हर तरह से विफल सरकार, हर मोर्चे पर विफल है, किस चीज को ले बताओ? प्रदेश की जनता से क्या कहेंगे? डेवलपमेंट ठप्प है। हाँ जी, प्रदेश की जनता से क्या कहेंगे सर? प्रदेश की जनता से कहेंगे कि सरकार को उखाड़ फेंको, तभी कुछ सांस मिलेगा इन सब चीजों से, जब ही लोगों को रोजगार मिलेगा। अब क्या है, अब आप गरीब आदमी एससी के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए जी दाखिला होता है 42,000 रूपए एक साल की फीस थी, इस बेरहम और बेदर्द सरकार ने 42,000 से बढ़ा करके 10 लाख रूपये प्रति वर्ष कर दी। क्या कोई गरीब का बेटा, दलित का बेटा 50 लाख रूपये का इंतजाम करके क्या कोई डॉक्टर बन सकता है? इन्होंने एससी कमीशन हुड्डा साहब ने बनाया था अपने टाइम में, इन्होंने 2014 में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पृष्ठ 13 पर यह घोषणा की थी कि जो एससी कमीशन जो हुड्डा साहब ने बनाया था उसको हम और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देंगे, संवैधानिक उसको मजबूती प्रदान करेंगे और बहुत मजबूत हम एससी कमीशन बनाएंगे। और सरकार बनते ही पहला पहला जो प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ वो एससी कमीशन को भंग करने का हुआ। हुड्डा साहब ने 3,92,000 करोड़ दिए थे गरीब लोगों को जी। इन्होंने कहा था कि जो इससे वंचित रह गए जो डिजर्व करते हैं उनको हम देंगे, इन्होंने किसी को 1 इंच नहीं दिया, और जो 3,92,000 जो प्लॉट दिए थे उनमें से भी जिनको कब्जे नहीं मिल पाए थे उनको कब्जा भी इन लोगों ने नहीं दिलाया। ये तो दलित विरोधी किसान विरोधी सरकार है, इन्होंने सारे जो फैसले हैं वो गरीबों के किसानों के सारे मजदूरों के सबके खिलाफ इन्होंने फैसले लिए, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक इन्होंने ऐसा वो बना लिया। ये इस तरह का प्रचार करते हैं ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, तो तुम बता दिए 22 बार तो पर्चे लीक हुए, एसपीएससी हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या हुआ बार बार उसको जो ये कैंसिल करने पड़े, वहां पर थोड़े बहुत तो नौकरी की है, ज्यादातर तो सारे इन्होंने आउटसोर्सेस से ले रखे हैं और उसमें कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं रखी। आउटसोर्सेस से जितने भी इन्होंने इस समय लाखों लोगों को
आउटसोर्सिस पर भर रखा है अपने अपने चहेतों को चलिए और सर इनडायरेक्ट रूप से, जी जिसमें कोई भी किसी तरह की कोई वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी उसको नहीं अपनाया गया। हम उम्मीद करेंगे कि जनता आपकी जरूर सुने सर, क्योंकि वक्त का अभाव है, आपको यहीं पर मैं रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम बातों के तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।